बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असदुल्लाह खान, टेक्निकल असद व्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए है, इजी पैसा अकाउंट के बारे में है। इजी पैसा अकाउंट बनाना मुश्किल बात नहीं, हर किसी ने बनाया भी होगा और किसी का होगा भी, और अगर बनाने नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इजी पैसा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एप्लीकेशन भी है और कीपैड से भी बनाया जा सकता है, कीपैड मोबाइल से सॉरी उधर से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड का। तो वो डेबिट कार्ड जो है हम कैसे मंगवा सकते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने उस एटीएम कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसमें दोस्तों क्या फ़ायदा, जो यूनियन पे का ऑप्शन उसमें भी आता है एटीएम कार्ड में, तो उस यूनियन पे ऑप्शन से आपको ये फ़ायदा कि आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं और एटीएम से आप कैश भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों वो कैसे अप्लाई करते हैं डेबिट कार्ड के लिए, एटीएम कार्ड के लिए, तो आप इस वीडियो के साथ रहें, आखिर तक देखें इसको। एक दो मिनट की वीडियो होगी, इतना टाइम नहीं लगेगा अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद मेरी एक और वीडियो आने वाली है कि आपने अप्लाई करने के बाद जब कार्ड आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड, तो आपने उसको कैसे एक्टिवेट करना है, अपने मोबाइल से कैसे एक्टिवेट करना है। तो उस वीडियो को आखिर तक देखिए, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मगर मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दस्ती और बहुत ही जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। हाँ जी भाइयों, मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच आए हैं। तो मैं इजी पैसा अकाउंट एप्लीकेशन ओपन कर दूँ, उसको ओपन करने के साथ जो भी पेज आता है मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। इसमें हमने आपको बताना है कि आपने अपने एटीएम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों ये इजी पैसा ऐप ओपन हो चुका है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आना है, यहाँ माई अकाउंट पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही ये दोस्तों ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर न्यू डेबिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही अगला पेज जैसे ओपन होता है दोस्तों, इसकी टर्म एंड कंडीशन आपने पढ़ लेनी है क्या ये कहता है। तो दोस्तों यहाँ से ही आप देख सकते हैं, ऑर्डर योर डेबिट कार्ड, कार्ड इश्यूज फीस टोटल 500 रुपये लेते हैं, बकाया सब कुछ फ्री है इसमें, मैसेज ये वो जो भी है। तो ये यूनियन पे का ऑनलाइन सिस्टम भी है, सिर्फ पाकिस्तान से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री के लिए ये नहीं है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों सबसे ऊपर पे जो नाम आ रहा है, जो ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो आपने कार्ड के ऊपर लिखना चाहते हैं, कार्ड होल्डर नेम, एटीएम कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिखना है, वो वाला एड्रेस लिखना है जिस पर आपके पोस्ट आती हैं, और यहाँ पे एरिया वगैरह और नियरेस्ट लैंडमार्क और सिटी ये फिल करने के बाद यहाँ पर ये जो प्रोसीस्ड है ये ग्रीन हो जाता है, इस पर क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर चला जाता है। दोस्तों मैंने तो अप्लाई किया हुआ था, मेरा खुद ब खुद कार्ड आ गया था, उन्होंने खुद कॉल की थी। तो अगली वीडियो जो मेरी आ रही है वो इसी पे आ रही है कि आपने अपना कार्ड जब आपको मौसूल हो जाता है तो आपने कैसे एक्टिवेट करना है। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ तक ही थी। अगर आपको ये पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको इस चीज़ के बारे में, इस वीडियो की इल्म हो सके और अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।